द ग्रैंड पैलेस, बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। जबलपुर में कोरोना का प्रकोप जारी है, नए संक्रमितों के आने और मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में भी कुछ लोग शादी के धूम धड़ाके में गाइडलाइन को ताक पर रख रहे हैं। बिना अनुमति शादी में भीड़ जुटाने और बगैर मास्क मिलने पर पुलिस ने यहां दूल्हा दुल्हन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। अशोकनगर जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। यहाँ अब 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। ये फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की वर्चुअल बैठक में लिया गया। इसमें सांसद KP यादव, विधायक जजपाल सिंह जज्जी समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। रीवा में बढ़ते संक्रमण के इस दौर में अब 2 बच्चों का बुद्धिमानी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों ही बच्चों के द्वारा लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। बच्चों ने कोरोना जागरूकता का संदेश देते हुए लोगों से मास्क लगाने की अपील भी की है। कोरोना को लेकर देश में जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन का टोटा बना हुआ है। ऐसे में एक राहत की खबर यह है कि मध्य प्रदेश के बैतूल में 104 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को मात दी है और अब वो स्वस्थ हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरधि चंद कोठी, जिनकी उम्र 104 साल है। मोरेना धौलपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया है, उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। सागर जिले में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। यही वजह है कि दिन ब दिन कोरोना पॉजिटिव की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। शनिवार को सागर में रिकॉर्ड 610 नए कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। अब कुल मामलों की संख्या 10,216 हो गई है। रिश्ते भी तार तार हो गए, गैरों की तो क्या बात कहें, अपने भी अपने नहीं रहे। ऐसा ही एक मामला प्रतिबीपुर के चिरपुरा में सामने आया, जहां एक महिला की मौत होने पर कोरोना की आशंका के चलते महिला का अंतिम संस्कार करने से लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा महिला का अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात खराब होते जा रहे हैं। अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया की कोरोना से मौत हो गई है। वो इंदौर के प्राइवेट अस्पताल में बीते 14 दिनों से भर्ती थी। 2 दिनों से ज्यादा तबीयत खराब थी। वो 2018 में पहली बार विधायक चुनी गई थी। कोरोना की दूसरी लहर दिन ब दिन जानलेवा होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मरीजों की मौत हुई है। अप्रैल के 23 दिनों में 1,027 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। इनमें 729 मौतें तो पिछले 10 दिनों में ही रिकॉर्ड की गई हैं। पहली लहर की पीक में हुई मौतों से ये संख्या लगभग 2 गुनी है। सागर जिले में मुस्लिम युवाओं ने हिंदू के शव को मुक्ति धाम तक पहुंचाकर मिसाल पेश की है, जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं। दरअसल सागर में बढ़ते कोरोना को देखते हुए लोग इस कदर डरे हुए हैं कि वो अपने पड़ोसियों तक की मदद करने से कतरा रहे हैं। ऐसा ही मामला रामपुरा वार्ड से सामने आया। होटल द ग्रैंड पैलेस, बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, CCTV से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।